हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास इलेवेंथ में का सब्जेक्ट बही खाता एवं लेखाकर्म के पहला पाठ लेखांकन की प्रस्तावना में तकनीकी शब्दावली समझेंगे। तकनीकी शब्दावली का अर्थ होता है किसी विषय के वो शब्द जो उस विषय में बार बार प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ पर हम कॉमर्स में या वाणिज्य में जो शब्द बार बार प्रयोग में लाए जाएंगे उन शब्दों को समझेंगे और उसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। जो पहला है शब्द वो है स्वामी। स्वामी उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी व्यवसाय को प्रारंभ करता है, उसकी रूपरेखा बनाता है, उसमें धन लगाता है, उसका रखरखाव करता है, कर्मचारियों को नियुक्त करता है, जितना भी लाभ होता है वो उसका होता है और अगर मान लीजिए हानि भी होती है तो उसी को वहन करना पड़ती है, उस व्यक्ति को स्वामी कहते हैं। एक तरीके से उस व्यापार का वो मालिक होता है जिसे हम इंग्लिश में बिजनेसमैन कहते हैं या व्यापारी भी कहते हैं। दूसरा है पूंजी। किसी भी व्यापार में स्वामी द्वारा जो धन लगाया जाता है या माल लगाया जाता है या किसी प्रकार की कोई संपत्ति लगाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। तीनों ही चीज़ें लगाना। उदाहरण के लिए किसी स्वामी द्वारा किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने में 50,000 रुपये लगाए गए तो ये भी पूंजी है। कुछ माल उसके पास रखा हुआ था वो भी उसने लगा दिया, वो भी पूंजी। और अपने घर का फर्नीचर, पंखा और कंप्यूटर वगैरह भी उसमें लगा दिया तो वो भी पूंजी में ही जुड़ेगा। इसके बाद आते हैं आहरण। स्वामी द्वारा जब अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से या तो माल निकाला जाता है या रुपये निकाले जाते हैं तो जितने रुपये का माल या जितने रुपये वो व्यापार में से निकालता है वो क्या कहलाता है? आहरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यापारी व्यापार से 5,000 रुपये निकालता है तो वो आहरण कहलाएगा, या कोई व्यापारी 2,000 रुपये का माल व्यापार से निकालता है तो वो भी आहरण कहलाएगा। इसके बाद आते हैं माल पे। स्वामी या व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो माल कहलाती है। मतलब जिस वस्तु की उसकी दुकान है, व्यवसाय है, वही माल कहलाएगा। अगर एक मेडिकल चलाने वाला है तो वहाँ पर दवा जो है वो माल है। अगर कोई फर्नीचर का बनाने वाला व्यापारी है या बेचने वाला व्यापारी है तो फर्नीचर माल है। कंप्यूटर बेचने वाले व्यापारी के लिए कंप्यूटर माल हो जाएगा। पेन बेचने वाले व्यापारी के लिए पेन, कॉपी बेचने वाले के लिए कॉपी वगैरह माल होगा। इसलिए माल बदलता रहता है, इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। आप जिस प्रकार का व्यापार करेंगे आपका वही माल बन जाएगा। इसके बाद आते हैं क्रय व विक्रय पे। पहले आते हैं क्रय पे। व्यापार हेतु हम जो माल खरीदते हैं ताकि हम उसकी मदद से व्यापार कर सके वो हमारा क्रय कहलाता है। क्रय दो प्रकार का होता है, नगद क्रय और उधार क्रय। और ये कच्चे माल का भी हो सकता है और बने हुए निर्मित माल का भी हो सकता है। अब आते हैं विक्रय पे। व्यापार करने के उद्देश्य से या धन कमाने के उद्देश्य से हम जो माल बेचते हैं उसे हम विक्रय कहते हैं। ये भी वही दो प्रकार का होता है, नगद विक्रय और उधार विक्रय। और आखिरी आता है रहतिया। किसी विशेष तिथि को जो बिना बिका माल रह जाता है व्यापार में उसे हम रहतिया कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब अपने खाते बनाते हैं तो उस समय जितना माल हमारे यहाँ दुकान में बाकी रखा हुआ है, बचा हुआ है, उसका हम मूल्यांकन करते हैं और वही कहलाता है रहतिया। यहाँ विशेष स्थिति बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए 31 मार्च को हम हमारे खाते बना रहे हैं तो 31 मार्च को हमारी दुकान में जितना भी माल अभी बिका नहीं है वो सब रहतिया कहलाएगा और वो खाते बंद होने की तारीख का है इसलिए वो कहलाएगा अंतिम रहतिया, या इंग्लिश में कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और यही माल अगले दिन मतलब 1 अप्रैल को प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो इस प्रकार ये अलग अलग शब्दावली है जो हम अकाउंट बनाते समय या कॉमर्स में बार बार इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।